सब्जेक्ट गो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे डेटा टाइप के अंदर आउटलाइन ब्लॉक का उपयोग करना। इसके मदद से आप जो है डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं और सब टोटल कर सकते हैं, और साथ में डेटा को आप जो है शो और हाइड भी करा सकते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं, चलिए आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्सेल ओपन कर रखा है, और एक्सेल में जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ऊपर डेटा टैब पे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे एंड में आपको मिलता है ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल और शो और हाइड। अभी अगर आप देखेंगे तो शो और हाइड जो है वो शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कैसे आपको इनका उपयोग करना सिखाऊंगा उसके बारे में पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिये मेरे पास एक ये डेटा है। अब इस डेटा में मैंने जो है देखिये यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे एक जैसे प्रोडक्ट है, यहाँ पे माउस, माउस और माउस। तो देखिए माउस 250 रुपए का है, तो 250, 250 और 250 कितना हो गया 750 रुपए टोटल यहाँ पे निकाला हुआ है। उसी तरह यहाँ पे एलसीडी का, यानी कि एक जैसे जो प्रोडक्ट है उनका मैंने यहाँ पे एक तरह से ग्रुप बना दिया है और उनका अमाउंट भी यहाँ पे निकाल रखे है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे चलते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए लैपटॉप आपको नहीं देखना है, लैपटॉप का जो डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है ये आपको नहीं देखना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए ये माइनस बटन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं। या आप एक तरीका और है हाइड करने का, वो है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए किसी में भी यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, और उसके बाद यहाँ पे जाइए सब टोटल के पास, यहाँ पे मिलता है आपको शो और हाइड। तो यहाँ पे करना है हाइड डिटेल, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिये लैपटॉप का जो डिटेल था वो हाइड हो गया। उसके बाद आपने कहा कि कीबोर्ड का भी मुझे अभी नहीं देखना है, तो कीबोर्ड को भी उसी तरह से कर सकते हैं। कीबोर्ड वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कहीं पे, और यहाँ पे माइनस पे क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जाएंगे और हाइड पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। उसी तरह से डिटेल अगर आपको फिर से देखना हो, तो जैसे मान लीजिए मुझे लैपटॉप का देखना है, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा, इस वाले पे लैपटॉप का ये टोटल अमाउंट है यहाँ पे, और उसके बाद करेंगे यहाँ पे शो डिटेल। इस पे क्लिक करने के बाद देखिये लैपटॉप के बारे में डिटेल यहाँ पे खुल के आ गया। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे देखना है और जो डिटेल आपने छिपा रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, तो देखिए डिटेल यहाँ पे दिखा दिया, ये कीबोर्ड का यहाँ पे हाइट था। तो ये कैसे मैंने किया और यहाँ पे कैसे मैंने इन सभी का सब टोटल निकाल रखा है, जैसे कि लैपटॉप देखिए इतना जो है लैपटॉप बिके हैं, इतने लैपटॉप बिके हैं, तो लैपटॉप का टोटल कितना हो गया वो मैंने यहाँ पे नीचे निकाल रखा है, और ग्रांड टोटल यानी कि इन सभी अमाउंट का टोटल कितना हो गया वो इतने का हो गया, तो वो मैंने यहाँ पे निकाले हैं। तो इसी तरह से आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे शीट टू पे देखिए मैंने डेटा यहाँ पे तैयार कर रखा है, और डेटा तैयार करने के बाद अगर आपको एक जैसे डेटा को ग्रुप करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस तरह से क्लिक करना है। देखिए ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, रॉ देख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो यहाँ पे नंबर है इस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे इस तरह से, और क्लिक करने के बाद एक जैसा जो डेटा है उसको ग्रुप करने के लिए सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि ये तीनों जो है माउस ही है, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद डेटा टाइप में यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मिलता है आपको ग्रुप। तो ये जो ऊपर यहाँ पे लिखा है ग्रुप, यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद देखिए इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। अगर आपको माउस का डिटेल नहीं देखना है, तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिये यहाँ पे साइड में माइनस का ये जो है निशान यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करके आप हाइड करेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, हाइड हो गया। अगर आपको यहाँ पे क्लिक करके हाइड नहीं करना है, तो यहाँ पे माउस वाले सेक्शन में कहीं पे भी माउस क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे हाइड डिटेल पे क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया कि इस तरह से ग्रुप आप बना सकते हैं। इसी तरह से और भी ग्रुप अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आपको ग्रुप हटाना हो कि नहीं मुझे तो वैसे ही करना है जैसे पहले था, ग्रुप की जरूरत मुझे नहीं है, तो आप क्या करेंगे उस सेक्शन में क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने ग्रुप लगा रखा है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया माउस वाले पे, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे अनग्रुप। देखिए यहाँ पे दिया अनग्रुप, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये बताएगा कि रो में हटाना है या कॉलम में। अगर आप सिर्फ इसका ग्रुप हटाना चाहते हैं माउस का, तो इस तरह से हटा सकते हैं। अब ये दो माउस जो है ये एक साथ ग्रुप में है, लेकिन आपने कहा नहीं माउस का तो बिल्कुल ग्रुप ही नहीं चाहिए, सब हटा दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें कहीं पे भी क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे ग्रुप में, नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे रहा है क्लियर आउटलाइन, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया, हट गया ग्रुप। अब बात करते हैं टोटल करने का, यानी कि सब टोटल। मान लीजिए आपको चाहिए कि ये तीनों माउस का टोटल कितना हो गया वो अमाउंट यहाँ पे आ जाए, एलसीडी का टोटल कितना हो गया वो यहाँ पे आ जाए, और ये जो कीबोर्ड है इसका टोटल पूरा यहाँ पे नीचे आ जाए। इसी तरह से टोटल हो जाए सभी का जो एक जैसा प्रोडक्ट है उसका अमाउंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
इस डेटा में कहीं पे भी क्लिक करके रखिए या इस पूरे डेटा को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सब टोटल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। यहाँ पे दे रहा है एट इच चेंज इन, यानी कि चेंज आपको किसमें करना है तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको लेना है वो एरिया जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, जिसमें काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे ये अमाउंट वाले में काम करना है, अमाउंट चुना। उसके बाद फंक्शन कौन सा यूज करना है तो सम करना है हमें, क्योंकि टोटल निकालना है तो इसके लिए सम फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एड सब टोटल टू, किस में एड करना है, कौन से वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे अमाउंट दे दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे दे रहा है रिप्लेस करंट सब टोटल। अगर करंट में आपने किसी तरह का कोई सब टोटल किया है, जोड़ घटा माइनस डिवाइड कुछ भी किया है, तो वो जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो इस पे इसी तरह से चेक लगे रहने देना है। नीचे है समरी ब्लो डेटा, यानी कि डेटा में जो भी चीज होगा उसका समरी भी देगा, तो इसको भी इसी तरह से चेक लगे रहने देना है। और करना है आपको यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद देखिए सभी का यहाँ पे एक तरह से अपने आप इसने जो है ग्रुप भी बना दिया है और आपको यहाँ पे वैल्यू भी लाके दे दिया है, टोटल वैल्यू। मैं यहाँ पे कॉलम को थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए कॉलम का साइज मैंने बढ़ा दिया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो ये माउस का यहाँ पे निकल के आ गया है, उसी तरह से यहाँ पे एलसीडी का निकल के आ गया, यहाँ पे कीबोर्ड का। और उसके बाद अगर नीचे चले तो नीचे देखिए यहाँ पे जो है हैश है। हैश का मतलब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉलम का साइज जो है छोटा है। तो साइज बढ़ा लेते हैं कॉलम का, यहाँ पे क्लिक करके कॉलम का साइज मैंने बढ़ा दिया। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर आपको दिख जाएगा जो भी यहाँ पे आया होगा। देखिए इस तरह से ये जो है यहाँ पे आ गया वैल्यू, ये यहाँ पे लैपटॉप का आ गया है। और ग्रांड टोटल ये जो है ये वो है, यानी कि पूरा टोटल सबका, ये जो अमाउंट ऊपर देख रहे हैं इन सभी का टोटल यहाँ पे ग्रांड टोटल निकल के आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको कभी जरूरत पड़ता है कि कीबोर्ड का डिटेल हमें नहीं देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कीबोर्ड में यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले सेक्शन में और यहाँ पे माइनस वाले बटन पे क्लिक करके हाइड कर देंगे, या आप यहाँ पे जाके हाइड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे हाइड कर देता हूँ, इस तरह से हाइड हो गया। अगर आपको इन सभी को हटाना है, कुछ भी यहाँ पे नहीं रखना है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा डेटा जो है सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए पूरा डेटा जो यहाँ से लेके नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे सब टोटल में, क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है नीचे रिमूव ऑल, तो इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सभी कुछ जो है रिमूव हो गया है, डेटा बिल्कुल उसी तरह से आ गया है जैसे आपका शुरू में डेटा रिकॉर्ड था। अब बिल्कुल आप जो है शुरू से फिर से कोई भी काम इस पे कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हमने डेटा टाइप के अंदर सीखा आउटलाइन ब्लॉक का उपयोग करना। इस वीडियो में इतना ही, आगे इसी तरह की वीडियो और भी देखने और सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में दिए घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप जो है उन सभी वीडियो को फ्री में सबसे पहले देख पाए। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।